महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वह स्वयं कांग्रेस पार्टी में होते थे तब हरियाणा में भाजपा का झंडा केवल रामविलास शर्मा लहराते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन किसी को बेइज्जत करना किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे रामविलास शर्मा की टिकट के लिए आज भी प्रयासरत है। पहले एक ईसाई धर्म परिवर्तन की एनजीओ चलाता है रिटायर्ड सस्पेंडेड एसडीएम रणधीर सिंह जी आ गया। ये रणधीर सिंह भागवत का सारी भागवत आज आई हुई है। लीलाराम गुर्जर जिला परिषद भागवत हमारा गुजरों का बड़ा खेड़ा है और ये एसडीएम उसको 30 लाख रुपये देके आया, जानबूझ करके नहीं देगा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा। टिकट पार्टी ले और माननीय रामविलास जी जीत के नाम पर यह पार्टी बनी है। और केवल उम्मीद नहीं बल्कि आप पर हमारे पर पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इसी प्रकार से पार्टी